Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Guys, आजकल Samsung के एक फोन की काफी ज्यादा हाइप क्रिएट होना शुरू हो चुकी है. जब से ये फोन MWC 2019 में लॉन्च हुआ है, तब से ये फोन की काफी ज्यादा हाइप क्रिएट होना शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है Samsung Galaxy A50. कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है ये फोन इंडिया में अगले कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, और ये फोन Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro को कंपटीशन देने वाला है. तो क्या है इस फोन के इम्पोर्टेंट फीचर्स, क्या होगी इस फोन की स्पेसिफिकेशन, इसके अलावा क्या होगी इस फोन की प्राइस, और ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जो भी डिटेल्स सामने आई है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है. और अगर आपका कोई सवाल है तो हैशटैग लगाकर आपका सवाल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को याद से प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे स्मार्ट टेक्निकल फैमिली का एक हिस्सा बन जाए. शुरुआत करते हैं लुक और डिजाइन के साथ. तो ये फोन का लुक दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है. पहली नजर में ही आपको ये फोन एक प्रीमियम फोन का एहसास दिलाएगा. ये फोन हमें चार कलर्स में देखने को मिलेगा, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और कोरल. इस फोन के बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, और ठीक उसके नीचे की तरफ LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी, और उसके नीचे की तरफ आपको सैमसंग का लोगो भी देखने को मिल जाएगा. अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, इस फोन के बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने को मिलता है. इसके अलावा हमें इस फोन में USB-C टाइप पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा. अब इस फोन की क्या प्राइस होगी उसका आप अंदाजा लगा के रखिए, मैं आपको आगे बताता हूँ. अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो इस फोन में हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और साथ में ये फोन इन्फिनिटी यू नॉच के साथ देखने को मिलेगा. इस फोन के डिस्प्ले का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है इस फोन की सुपर एमोलेड डिस्प्ले. जी हाँ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले. इस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग की तरफ से सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है. अब ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है वो काफी अच्छी डिस्प्ले होती है, और उसके कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल बहुत ही अच्छे नजर आते हैं कंपेयर टू IPS डिस्प्ले. और जो स्क्रीन का एरिया होगा वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब जो बेजल होंगे वो आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे. तो डिस्प्ले वाइज भी ये फोन काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सैमसंग की जो एमोलेड डिस्प्ले होती है उसके अंदर जो कलर दिखाई देते हैं वो नेचुरल होते हैं और एक्चुअल कलर होते हैं, जिसकी वजह से एमोलेड डिस्प्ले काफी आगे निकल जाती है कंपेयर टू IPS डिस्प्ले. अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की. तो Samsung Galaxy A50 में Exynos 9610 प्रोसेसर देखने को मिलेगा. अब ये जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 660 के लेवल का प्रोसेसर है. ये Exynos 9610 जो प्रोसेसर है वो 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस है, मतलब ये प्रोसेसर पावर एफिशिएंट भी होने वाला है, जिसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिलेगा. ये चिपसेट एक ऑक्टा कोर चिपसेट है. इस चिपसेट के अंदर 8 कोर्स यूज किए गए हैं, जहां पे कॉर्टेक्स A73 के 4 कोर्स हैं, जिसको क्लॉक किया गया है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो कॉर्टेक्स A53 पर बेस हैं, जिसको क्लॉक किया गया है 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पर. तो डे टू डे यूसेज में Qualcomm Snapdragon 660 और Exynos 9610 ये दोनों प्रोसेसर एक जैसा ही परफॉर्म करेंगे, कुछ ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा. अब बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की. तो Samsung Galaxy A50 में रियर साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर 25 मेगापिक्सल का होगा, और जो दूसरा सेंसर 5 मेगापिक्सल का होगा वो डेप्थ सेंसर होगा. इसके अलावा जो 8 मेगापिक्सल का जो तीसरा सेंसर होगा वो अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, और जो सेल्फी कैमरा होगा वो 25 मेगापिक्सल का होगा. जी हाँ, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा. ऑन पेपर अगर देखा जाए तो इस फोन के कैमरास भी काफी अच्छे नजर आते हैं. अगर हम बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो इस फोन में हमें 4000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ में क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम फोन को कम टाइम में फास्ट चार्ज कर पाएंगे. इसके अलावा इस फोन का जो प्रोसेसर है वो 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस है, जिसकी वजह से हमें बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, और साथ में ये फोन ड्यूल 4G और ड्यूल वोल्टी को भी सपोर्ट करेगा. इसके अलावा हमें इस फोन में सी टाइप पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा.
अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो इस फोन में हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड पाई देखने को मिलेगा और साथ में सैमसंग का वन यूआई का यूजर इंटरफेस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सैमसंग ने यहाँ पे लेटेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड पाई ऑफर कर दिया है। तो यहाँ पे सैमसंग ने इस फोन में कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी है, फास्ट चार्जिंग भी है, 4000mAh की बड़ी बैटरी भी ऑफर की है, साथ में सी टाइप पोर्ट भी दे दिया गया है। प्रोसेसर भी इस फोन का कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 के लेवल का है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी दी गई है और ऑन पेपर इस फोन के कैमरास भी काफी अच्छे नजर आते हैं। तो ये फोन काफी हद तक एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन रहने वाला है। तो ये है कंप्लीट हिसाब किताब इस फोन का, लेकिन घुमा फिरा के बात यहाँ पर आ जाती है इस फोन की प्राइस क्या होगी। तो जो रिपोर्ट्स और डिटेल्स सामने आई हैं उसके हिसाब से इस फोन के दो वेरिएंट्स होंगे। सबसे पहला वेरिएंट होगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज और इसकी प्राइस बताई जा रही है 17,999 रुपीज, करीब 18,000 रुपये। इसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट होगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस बताई जा रही है 22,000 के आसपास। बाकी ये फोन 28 फरवरी को लॉन्च हो सकता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, क्योंकि अगर सैमसंग को रेडमी के साथ कंपटीशन काउंटर करना है इंडिया में तो ये फोन 28 फरवरी को लॉन्च करना ही होगा और इस फोन की प्राइस जितनी भी हो सके उतनी कम रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये फोन कंपटीशन से हट सकता है। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, सैमसंग को गैलेक्सी A50 की क्या प्राइस रखनी चाहिए कंपटीशन को देखते हुए। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी A50 में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, जिसकी वजह से आप ये फोन लेने की सोच रहे हैं, जरूर बताना आपकी कीमती राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।